हेलो एवरीवन, तो आज हम साउंड चैप्टर के अपने जो क्वेश्चन रहते हैं वो कंप्लीट करते हैं। अच्छा, योर फर्स्ट इज फिलअप, एंड जो आपका फर्स्ट फिलअप है वो है आपका साउंड इज कॉज्ड बाय। अच्छा, साउंड कैसे होती है आपकी, है ना? साउंड इज कॉज्ड बाय व्हाट? आपको मैंने क्या बताया था, साउंड होती क्या है, मतलब उसमें क्या होता है? बैक एंड फोर्थ वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती है ना। कैसे वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं? ये आपका साउंड आ रही है, यहाँ पे आपके कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट है एयर में। एयर इज अ मीडियम, कोई भी मीडियम ले लो, सॉलिड ले लो, लिक्विड ले लो या फिर गैस ले लो, इन तीनों में से कोई भी मीडियम है, साउंड आपकी इन तीनों मीडियम्स में क्या करती है, ट्रेवल करती है, राइट? अब होता क्या है, ये आपकी साउंड सोर्स से निकल रही है, जैसे साउंड आ रही है, जैसे साउंड आई विद हाई एनर्जी, तो वो क्या जाएगी, फर्स्ट पार्टिकल के पास जाएगी। फर्स्ट पार्टिकल के पास जब एनर्जी आएगी वो वाइब्रेट होगा, कोलाइड करेगा सेकेंड के साथ, उसको एनर्जी ट्रांसफर करके फिर अपनी पोजिशन पर वापिस आएगा। इसी तरह फर्दर ये प्रोसेस कंटिन्यूटी में चलती रहती है जब तक आपकी डेस्टिनेशन तक ये वॉइस पहुंच ना पाए, ठीक है? कैसे चलती है, पहले गई फिर आई, फिर गई फिर आई, लाइक दिस, ठीक है? बैक एंड फोर्थ पोजीशन में आपकी क्या चलती है, साउंड मूव करती है, ठीक है? वाइब्रेट करती है, नॉट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, इट्स वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल। मूवमेंट क्या होगी कि आपके पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, नो, यहां पे क्या होता है आपका वाइब्रेशन, वाइब्रेट हो गया एनर्जी ट्रांसफर करके फिर अपनी पोजीशन में वापस आते हैं, तो साउंड इज कॉज्ड बाय वाइब्रेशन, वाइब्रेशन, क्लियर? ये था आपका फर्स्ट। नाउ अब हम सेकंड देखते हैं। सेकेंड क्या है आपका, सेकेंड इज अ साउंड वेव कंसिस्ट ऑफ प्लेसेस हाई प्रेशर एंड प्लेसेस ऑफ डैश प्रेशर कॉल्ड। अब क्या है, साउंड वेव में क्या होता है आपका, साउंड वेव कंसिस्ट ऑफ हाई प्रेशर, ठीक है, कॉल्ड व्हाट, एंड डैश प्रेशर कॉल्ड व्हाट, ठीक है? अब देखिए, अच्छा साउंड मैंने आपको क्या बोला था, साउंड वेव, वेव जो आपकी आपकी दो टाइप्स में होती है, तो साउंड वेव में कौन सी थी, साउंड वेव कौन सी थी, लॉन्गी ट्यूडिनल वेव, कौन सी थी, लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो इसमें जो आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव में हाई प्रेशर था, हाई प्रेशर था, उसको हमने क्या बोला था, हाई प्रेशर मींस, देखो हाई प्रेशर का क्या मतलब हुआ, हाई प्रेशर मींस हायर डेंसिटी, कि जो आपकी डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स है वो ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि आपका प्रेशर जब ज्यादा होगा, साउंड का प्रेशर ज्यादा होगा, उसकी वजह से जो आपके पार्टिकल्स होंगे उनमें क्या होगा, ज्यादा प्रेशर होने की वजह से डेंसिटी ज्यादा होगी, तो उसको आप क्या बोलते हो, कंप्रेशन, क्या बोलते हो, कंप्रेशन, ठीक है? एंड जो आपका लोअर प्रेशर है, लोअर प्रेशर मींस योर डेंसिटी ऑफ पार्टिकल इज लेस as compared to original, your density of particle is less as compared to original, तो उसको आप बच्चे क्या बोलते हो, rare fraction, rare fraction, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, rare fraction। ये आ गया आपका higher pressure का part, compression, rare fraction, compression, rare fraction, ठीक है? ये है आपका का आंसर, कि हाई प्रेशर को आप बोलते हो कंप्रेशन,
एंड जो लोअर प्रेशर है उसको आप बोलते हो रेयर फ्रैक्शन, रेयर फ्रैक्शन, ठीक है। नाउ हम नेक्स्ट करते हैं अपना थर्ड पॉइंट, जो थर्ड क्या है, थर्ड में पूछा है आपकी स्पीड ऑफ वेव किसके इक्वल होती है, स्पीड ऑफ वेव विच इज मीटर पर सेकेंड, है ना, ये क्या होती है आपकी मीटर पर सेकेंड में, इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय व्हाट, मल्टीप्लाई बाय, अगर आपने पढ़ा होगा, मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ, मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ, ठीक है। अब आपको पता है फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट इज हर्ट्ज, एंड जो आपका वेवलेंथ है उसका क्या है आपका मीटर, ठीक है, ये आपकी इक्वेशन है। नाउ योर फोर्थ इज साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू व्हाट, ये मैंने आपको कल भी पढ़ाया था कि साउंड किससे ट्रेवल नहीं करता है, पहले आप मुझे बताओ कि साउंड ट्रेवल करता किससे है, साउंड को क्या चाहिए होता है, एक मीडियम चाहिए होता है ना, मटेरियल मीडियम की जरूरत होती है साउंड को ट्रेवल करने के लिए, वो मीडियम कौन सा है आपका, सॉलिड, लिक्विड, लिक्विड एंड गैस, इन तीनों में से किसी में भी आपका जो साउंड है वो ट्रेवल करता है, बट साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, क्यों नहीं ट्रेवल करता, बिकॉज साउंड को मटेरियल मीडियम की जरूरत होती है ट्रेवल करने के लिए, एंड उसमें कुछ आपके पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं ना, जो क्या करते हैं वाइब्रेशन होती है, तभी आपकी साउंड प्रोड्यूस होगी, जब आपके पार्टिकल्स ही नहीं होंगे तो वो आपके वाइब्रेशन होगी किस में, जब वाइब्रेशन नहीं होगी देन कोई भी आपकी साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी, तो ये कह रहा है कि साउंड किस में ट्रेवल नहीं करती, वो बच्चे आपका वैक्यूम है जिसमें आपकी साउंड ट्रेवल बिल्कुल भी नहीं करती, क्यों, क्योंकि देयर इज नो एयर इन वैक्यूम, ठीक है। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, मैंने आपको हर चीज दो तीन बार रिपीट की हुई है हर लेक्चर में कि आपको, आई डोंट थिंक सो कि आपको इसमें कोई डाउट आएगा। नाउ योर नेक्स्ट फिलअप इज द स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड इज डैश देन द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, ठीक है, देखिए नाउ वी विल टॉक अबाउट द स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड इज डैश देन द Then the speed of sound in ear, ठीक है बच्चे, ये है सॉलिड, दिस इज योर लिक्विड एंड दिस इज योर गैस, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि सॉलिड है, पार्टिकल्स क्या होंगे, अट्रैक्ट विद ईच अदर एंड क्लोजली पैक्ड होंगे, ठीक है, ये क्या होंगे, पैक्ड होंगे बट इतने ही नहीं होंगे जितने सॉलिड में होंगे, एंड गैसेस में क्या होता है वो बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है। तो स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज्यादा किस में होती है, सॉलिड में, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका ग्रेटर, स्पीड ऑफ सॉलिड सबसे ज्यादा आपकी किस में रहती है, इन केस ऑफ सॉलिड, ठीक है, इन केस ऑफ सॉलिड योर स्पीड ऑफ साउंड इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड इन ईयर, ठीक है। चलिए अब बच्चा एक क्वेश्चन है, ये पूछ रहे हैं कि अगर आपको 20 वेव्स प्रोड्यूस हो रही है एक सेकंड में, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, राइट,
मैंने क्या किया, 20 फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ ऑसिलेशन, नंबर ऑफ कंप्लीटेड वेव इन, नंबर ऑफ वेव्स कंप्लीटेड इन वन साइकिल, दैट इज फ्रीक्वेंसी। ये कह रहे हैं कि अगर आपकी 20 वेव्स, ये कितनी है, 20 वेव्स है, कि अगर 20 वेव्स जो है वो आपकी 1 सेकेंड में प्रोड्यूस हो रही है तो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज। बच्चे मैंने आपको क्या बताया था कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड और नंबर ऑफ वेव, इट्स नंबर ऑफ कंप्लीटेड वेव प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड, कि 1 सेकेंड में जितनी आपकी वेव्स प्रोड्यूस्ड हो रही हैं वो होती है आपकी फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे 1 सेकेंड में कितनी वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, 20। सो योर आंसर इज 20 हर्ट्ज। कितनी फ्रीक्वेंसी है आपकी, 20 हर्ट्ज, दिस इज योर आंसर। ठीक है, जितनी वेव प्रोड्यूस हो रही है उतनी ही आपकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, चलिए अब आपको पता है, मैंने आपको एक रिलेशन बताया था कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी रहती है, फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। ठीक है, इसी में से अगर आपने टाइम पीरियड निकालना होगा तो टाइम पीरियड इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में टाइम पीरियड गिवन है, टाइम पीरियड आपको दिया है उन्होंने 0.02 सेकेंड्स। तो हाउ विल यू फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव, वी हैव गिवन दैट द टाइम पीरियड इज 0.02 सेकेंड, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। वी नो दैट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, जस्ट पुट दिस वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड इन द इक्वेशन, 0.02 सेकेंड्स। सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज 50 हर्ट्ज, राइट, दिस इज योर फ्रीक्वेंसी, क्लियर। अगर इसी में आपको उन्होंने फ्रीक्वेंसी दी होती एंड वो आपको कहते हैं कि फाइंड आउट द टाइम पीरियड, तो आप क्या करते, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाय टाइम पीरियड एंड द टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, तो आपका टाइम पीरियड इजिली निकल जाता। ठीक है, चलिए, नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच मीडियम, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेवल्स स्लोएस्ट इन एयर एंड विच वन फास्टेस्ट। उन्होंने आपको दिया हुआ है सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट, लाइट एंड साउंड, ये 3 चीजें दी हुई हैं। अब वो बोल रहे हैं इनमें से कौन सी जो है वो स्लोएस्ट साउंड होगी प्रोड्यूस करेगी एंड कौन सी फास्टेस्ट करेगी। अब हमें क्या पता है, यस बच्चे, इसमें उन्होंने पूछा है कि आपका जो इन्होंने मीडियम दिया हुआ है वो दिया है एयर। अब ये पूछ रहा है कि कौन सा इनमें तीनों में से आपका ट्रेवल करेगा स्लोएस्ट इन एयर, स्लोएस्ट इन एयर एंड विच वन इज फास्टेस्ट इन एयर। ठीक है, एयर मीन्स कि दोनों क्या है, गैस है। ठीक है, तो गैस में आपको पता है कि साउंड जो है वो सबसे स्लोएस्ट होता है ना। साउंड क्या होगी, सबसे स्लो होगी, क्योंकि आपके पार्टिकल्स बड़े दूर दूर, उनको टाइम लगता है ना कि वाइब्रेशन करने में, वाइब्रेशन इतनी प्रॉपर हो भी नहीं पाती है, तो साउंड होती है बट इतनी नहीं होती है। तो साउंड क्या होगी आपकी, स्लोएस्ट इन एयर,
एंड जो आपकी लाइट है वो क्या होती है आपकी फास्टेस्ट. क्यों होती है? आपको पता है जब आपकी लाइटनिंग या थंडरिंग होती है तो उसमें क्या होता है आपका यही चलता है ना, स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है उसमें.